घरेलू महिलाएं पैसे कैसे बचाएं। अब देखिए, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर आप घर में हैं, आप घरेलू महिला हैं, गृहिणी हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? केवल आप जो आपके पास एक जो सैलरी आ रही है उसको अगर आप ठीक से चलाएं तो आप काफ़ी अच्छी खासी बचत कर सकती हैं। कैसे? वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। घर में रहकर छोटी छोटी बचत करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा सबसे पहले देखिए मैं किचन से शुरुआत करती हूँ। राशन जो है वो सोच समझ कर लाइए। अंधाधुंध केवल बाय वन गेट वन के चक्कर में फालतू जो शॉपिंग करते हैं हम राशन की, उससे बिल्कुल बचिए। बिल्कुल एक लिस्ट बना करके रखिए, आपको क्या खत्म हो रहा है पूरे महीने भर प्लानिंग रखिए इस चीज़ की, कब चीज़ खत्म होने वाली है, क्या खत्म होने वाली है आने वाले 15 दिन के अंदर। केवल उन वस्तुओं की लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट के हिसाब से ही सामान खरीद लिए। कोशिश ये करिए कि किराना की दुकान पर पहले जाके रेट पता कर लीजिए। अगर मॉल से भी खरीदती है तो रेट्स को कंपेयर जरूर कर लीजिए, और मॉल जाकर के भी केवल खरीदारी की लिस्ट लेकर जाइए। केवल वही माल खरीदिए, वही राशन खरीदिए जिसकी कि आपको वाकई में जरूरत है। फालतू देखिए, इंस्टेंट शॉपिंग से बचिए। अभी सेल लगी है, अभी चलना है। ऑनलाइन सेल लगी हुई है, इसके अंदर से ये लेना है। कोई भी चीज़ आपको अगर बहुत पसंद आ जाती है तो उसको अपने कार्ट में डालकर रखिए, और 100 बार अपने आप से पूछिए, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार, क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या मुझे ये लेनी चाहिए, क्या मेरा इसके बिना काम चल सकता है। अगर आपको 100 बार इस सवाल का जवाब केवल हाँ 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 आता है ना, तो ही केवल इस बारे में सोचिए, अदरवाइज मत सोचिए। क्योंकि देखिए, आए दिन कुछ ना कुछ आता रहेगा, और थोड़ा थोड़ा करके देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बात 100 या 50 रुपए की नहीं बात होती, बात होती है फिजूल खर्ची की। ये एक एक रुपया जो है, अगर बाय द वे आपके पास 99 रुपए, तो 1 रुपए के बिना 100 रुपए नहीं होने वाले। तो छोटी छोटी बचत का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। फिजूल की खर्ची, जिस चीज की आवश्यकता नहीं उसको बिल्कुल भी मत खरीदिए। प्रेस के जो कपड़े देती हैं आप, उसका भी अच्छा खासा बिल आता है। कोशिश करिए जो कपड़े हैं उनको घर पर ही प्रेस करिए, उससे भी कुछ पैसों की बचत हो पाएगी। इसके अलावा जो भी पैसे आपके पास गृहिणी की तरह बच जाते हैं, घरेलू महिला के पास जो पैसे बच जाते हैं, क्योंकि देखिए आपकी आमदनी का स्रोत केवल एक ही है, तो जो पैसा आपके पास बच जाता है ना, उसको देखिए कहते हैं ना, पानी भी पड़ा हुआ स्टेग्नेंट हो जाता है, सड़ जाता है। जो पैसा आपने बचा लिया है उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। उसको घर में रखेंगी आप तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, लेकिन अगर आपने उसको बैंक में डाल दिया तो उस पर इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, और आपके पास 3 महीने के पैसे खर्चे आपके अकाउंट में होने चाहिए। इसके अलावा उससे सरप्लस अगर आपके पास पैसे हैं तो उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए। मेरी एक व्यूअर सब्सक्राइबर ने मुझे लिख के भेजा था, महिलाएं किस तरह से निवेश करें, मैम इस पे वीडियो बनाइएगा। तो कभी भी घर में पैसा मत रखिए अपने पास में बहुत ज्यादा, जितनी आपको जरूरत है उतना ही रखें। बाकी 3 महीने का खर्चा बैंक अकाउंट में रखें, बाकी का पैसा एफडी में, म्यूचुअल फंड में आप डाल दीजिए। कुछ ऐसी जो गोल्ड के भी अंदर भी आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। कुछ बड़ी बड़ी ज्वेलरी की जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं, लाइक कल्याण ज्वेलर है, जो चेन्स हैं, और लाइक पीसी ज्वेलर है, जो बड़े शोरूम्स हैं उनके अंदर क्या है, इस तरह की स्कीम्स चल रही होती हैं कि आप अगर 11 महीने किस्त जमा करेंगे, भले 2,000 हर एक महीने से शुरू करिए, 11 महीने अगर आप किस्त जमा करेंगे तो एक किस्त उनकी तरफ से आपको मिल जाएगी। लास्ट में साल के अंत में अगर आपके पास 24-25 हज़ार रुपये हो जाते हैं, अगर आप 2,000 से शुरुआत करती हैं, तो भी आपको ये छोटी अंगूठी, ईयरिंग कुछ खरीद सकती हैं। और इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये जो पैसे हैं इनको बैंक अकाउंट में इकट्ठा कर देती हैं, तो भी वहां से भी आप ये कर सकती हैं कि आपको अच्छी खासी उससे एक ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। इसको आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं, रेकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकती हैं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में डाल सकती हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं माइडियर बचत करने के, बस कोशिश करिए, बस देर है शुरुआत करने की। तो कब करने जा रही हैं आप शुरुआत, बताइएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग बींग अ वुमेन। नमस्कार।